ये अपना प्यारा सा महावीर मंदिर जो कि लॉकडाउन के बहुत ही बाद खुला है, तो अगर आप भी दर्शन करना चाहते हैं तो आप ये विजिट आ सकते हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आपका दोस्त अतुल आपके साथ और आज एक और अपडेट के साथ। तो अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ ये है पटना जंक्शन से जो कंकड़बाग की ओर फ्लाईओवर आता है वो वाला फ्लाईओवर है, और इधर आप चले जाएंगे कंकड़बाग की तरफ, और इसके बीच से एक फ्लाईओवर नया बन रहा है। आप लोगों में से किसी एक ने कहा था कि एग्जीशन रोड का जो एक फ्लाईओवर ज्वाइंट हो रहा है उसका अपडेट देने के लिए। तो ये आप जो फ्लाईओवर अभी देख रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क पे है अभी, तो ये फ्लाईओवर जो है वो जो स्टेशन से फ्लाईओवर आ रहा है उस फ्लाईओवर में इसको जोड़ना है, और इस फ्लाईओवर के जरिए आप उधर गांधी मैदान की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये फ्लाईओवर आप जो देख रहे हैं ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क में है, और ये सीधा उस तरफ चला जाएगा गांधी मैदान की तरफ, और ये रास्ता जो है वो कंकड़बाग की तरफ जाता है। तो भाई लोग, आप लोग देख सकते हैं कि अभी हम इस फ्लाईओवर पे हैं, और फ्लाईओवर के नीचे है वो एग्जीबिशन रोड वाला फ्लाईओवर है। फिलहाल तो गांधी मैदान से जो आता था वो वन वे था, एग्जीबिशन रोड वाला फ्लाईओवर जो वन वे था, फ्लाईओवर गांधी मैदान से चढ़ के आप सीधा कंकड़बाग जाते थे, उस फ्लाईओवर में एक और फ्लाईओवर जो है वो ज्वाइंट होना है। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं ये फ्लाईओवर, इस फ्लाईओवर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये नीचे एग्जीबिशन रोड है और ये सीधा आपको गांधी मैदान चला जाता है। तो इस पुल का आप लोगों ने किसी एक ने कहा था कि इस पुल का अपडेट दीजिए कि आखिर इस पुल में कहाँ तक काम हुआ है, क्या काम हुआ है। तो आपको देख के अंदाजा लग रहा होगा अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, रेलिंग वगैरह घेरा जा रहा है, और ये पुल सीधा उस पुल में शायद ज्वाइंट हो जाएगा। अभी आगे चलते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे ये पुल ज्वाइंट होगा, क्योंकि अपडेट देना तो बनता है ना भाई। आप लोगों ने किसी एक ने कहा था कि अपडेट दीजिए कहाँ तक बना है, क्या बना है, क्यों बन रहा है, किस लिए बन रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इधर से उस वाले जो स्टेशन रोड है, स्टेशन वाला फ्लाईओवर, उधर से आप आएंगे सीधा, और ये सीधा ये वाला जो पुल है जो कि उधर गांधी मैदान से आता है, आप सीधा देख सकते हैं वो उधर गांधी मैदान से आता है, और ये इसमें आके यहाँ पे जो है ये ज्वाइंट हो जाएगा यहाँ पे। अभी फ़िलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क है, इसके कारण अभी पूरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है, पर वो जो सामने आप देख रहे हैं फ्लाई ओवर गांधी मैदान से जो चढ़ता है एग्जीबिशन रोड के पास से, ये फ्लाई ओवर सीधा उस तरफ कंकड़बाग की तरफ चले जाएंगे, और ये जो फ्लाई ओवर नया वाला बन रहा है ये स्टेशन की तरफ से अगर आप आते हैं तो वहाँ से आप घुस के इससे माध्यम से आप गांधी मैदान भी जा सकते हैं। तो करंट स्टेटस की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि अभी काफ़ी वर्क बचा हुआ, ज़्यादा वक्त तो नहीं कह सकते हैं बचा हुआ, फिर भी काफ़ी काम अभी जारी है इसमें। अभी हम आपको एक नीचे से भी दृश्य दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये इधर आप देख रहे हैं ये पटना जंक्शन की ओर से आता है, और ये जो नया वाला पुल बन रहा है बीच में ये सीधा उस पुल में ज्वाइंट हो जाएगा, जो कि वो वाला पुल जो आप देख रहे हैं वो वाला पुल, ये इधर चिरैयांटर पुल की तरफ से आता है, इस साइड से चिरैयांटर पुल की तरफ से आता है, और ये सामने गांधी मैदान चला जाता है जिसको अभी वन में फ़िलहाल रखा गया है। पर ये बीच में जो फ्लाई ओवर एक नया निर्माण हो रहा है, जो कि अगर आप पटना जंक्शन की तरफ से आते हैं और आप गांधी मैदान जाना है, ये नवनिर्मित फ्लाई ओवर बनाया जा रहा है। इस फ्लाई ओवर के जरिए आप उस फ्लाई ओवर में ज्वाइंट होके ये सीधा गांधी में चला जाएगा, जो कि फ़िलहाल वन वे है उसको टू वे कर दिया जाएगा। अभी आगे चलते हैं, आगे भी जाके देखते हैं कि क्या काम बचा हुआ है। तो यही है जो एग्जीबिशन रोड में अभी हम हैं, और ये नया वाला फ्लाई ओवर जो अभी बन रहा है अभी तैयार नहीं हुआ है, इस फ्लाई ओवर को जो है इसमें जोड़ दिया जाएगा, और इसके बाद आप सीधा गांधी मैदान जा सकते हैं अगर आप स्टेशन की ओर से आते हैं तो। ये फ्लाईओवर जो है ये गांधी मैदान से चढ़ता है और कंकड़बाग की तरफ उतरता है, तो ये फिलहाल वन वे है, पर वो जो पीछे वाला फ्लाईओवर जो आप देख रहे हैं वो बन जाएगा, उसके बाद इसको भी टू वे कर दिया जाएगा। तो अगर आपको आज का अपडेट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। और हाँ, कमेंट कीजिए आपको कहाँ का अपडेट चाहिए, कौन से जगह का अपडेट चाहिए, कौन से पुल का, कौन से रोड का, आपको सारा अपडेट मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।